तो हेलो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था कि अपडेटिंग के वक्त शाओमी के रोम के अपडेटिंग के वक्त शाओमी कुछ डेटा अपलोड डाउनलोड कर रहा था। तो इस टाइम हमने एक स्निपर लगाया है, डेटा स्निपर क्लास वायर करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा ऐप कितना डेटा खा रहा है या कितनी स्पीड से डाउनलोड कर रहा है। तो इस तरह से आप डेटा को वॉच कर सकते हो, कौन सा ऐप मैलिशियस एक्टिविटीज़ कर रहा है। अभी ये देख सकते हो यहाँ पे टॉप में है टेलीग्राम, देन गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क, या अन्य एक ऐप है VI। अब यहाँ पे शाओमी सर्विसेज फ्रेमवर्क कुछ तो ठंडा दिख रहा है, और यहाँ पे ऊपर भी हमें स्पीड जो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो ऊपर 0.3 KBPS। और जब मैंने लास्ट टाइम हमें अपडेट कर रहा था, मैं शाओमी का जो 14.0.4 या कुछ तो था वर्जन, इसके प्रीवियस का वर्जन था, तो उस टाइम को ढेर सारा डेटा मतलब MBPS में डेटा कंज्यूम कर रहा था। मैंने क्विकली उसको थोड़ी देर के बाद ऑफ किया, तो अबाउट 200 MBs ऑफ डेटा मैंने मतलब ज़्यादा अदर देन रोम साइज़ 200 MBs ऑफ डेटा उसने कंज्यूम किया किया था। अभी क्या सिंक्रोनाइज कर रहा है ये देखो, क्या सिंक्रोनाइज कर रहा है वो उसी को बताएं। ये जो यहाँ पे ये दिखाते हैं ना शाओमी वाले कि सिंक्रोनाइज ये वो, तो एक्चुअल में अगर वो जो कमांड लाइन पे आता है ना, एक्चुअल में क्या कर रहा है वो अगर दिखाते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंसी शाओमी वालों की इससे अच्छी हो जाएगी। ये तो अभी अपलोड तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब इससे हम देख सकते हैं अपलोड तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क टॉप पे है, अननोन कुछ तो है ऐप, पता नहीं, हमें उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोई भी मैलिशियस अपडेट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो तो आप उसको वॉच कर सकते हो। ग्लास वायर बोल के एक ऐप है, उस ऐप से। तो थैंक यू गाइज।